हेलो। हाँ भैया बोलिए ना बाबू जी। बोले क्या भाई तुम फेस कर रहे हो, बार बार लिख मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं तो जो फेस कर रहा हूँ वही है। हालत बहुत खराब है मेडिकल सिचुएशन का। इधर मेरा ऑलरेडी एक फ्रेंड जो है मतलब है ना, पास ऑफ हो गया इसी चक्कर के। हाँ, कितना एज था फ्रेंड का? एज मेरा 44 था। वो मेरे साथ ही पढ़ा हुआ, मेरे साथ ही सारा दिन था, मतलब 35। उसका बागड़ी मार्केट में दुकान था, क्या चीज का? पेन का काम था उसके बड़ा। अच्छा, कैसे हुआ उसको? कहीं बाहर से आया था कि यहीं पर हो गया अगल नहीं, वो हंस फुकुरिया लेन में रहता है, बगल? उसका अच्छा जी प्लस फोर का खुद का बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छा और वो है ना, मतलब सुबह सुबह मतलब ज्यादा ना मतलब है ना सैनिटाइज करके अपना बाहर सारा प्रोटेक्शन लेके जाता था, खाली दूध और ब्रेड लेके आ जाता था। आके वापस अपने आप को नीचे सैनिटाइज करके ऊपर बाथरूम में जाके अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के डेटॉल में धो के गर्म पानी से नहा के आ जाता था। वेरी गुड। ये बस अब ऐसा ही चल रहा था। 18 तारीख को उसको जनरल छोटा थोड़ा सा फीवर हुआ, तो वहां पर कोई डॉक्टर मिला नहीं है। विशुदानंद में दिखाया, एक ए के सिंह बोल के डॉक्टर मिला खाली, और कोई मिला नहीं वहां पर। है ना मतलब है ना, उसका भी जो है वहाँ डॉक्टर का भी व्यवस्था हुआ, वहां का जो काउंसिलर है उसको पकड़ के। तो देखा तो बोला नहीं, जनरल फीवर है, वायरल है, तो आपको 2 दिन का दवाई देता है, ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन का दवाई दे दिया, दवाई लेने से बुखार उतर जाता है, फिर हो जाता है। थर्ड डे उसको चिल्ला चिल्ली करके बोला भाई टेस्ट कराओ, लैब सब बंद। तो विशुदानंद में टेस्ट हुआ उसका, शाम को रिपोर्ट आया, बोला टाइफाइड है। ठीक है भाई टाइफाइड है, तो दवाई चालू। टाइफाइड हाँ बोला टाइफाइड है, तो है ना मतलब है ना दवाई चालू हो गया। दवाई चालू होने के बाद में जो है वो उस दिन पूरा ठीक था, नेक्स्ट डे सुबह बात हुआ तब भी ठीक था। उसको रात को 9:30 बजे ना थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, तो भाभी हम लोग को तो फोन करी नहीं, किसी भी तरीके से एक एम्बुलेंस अरेंजमेंट करी 10:30 बजे, और पिलर टू पिलर घूमी है, पूरा पूरा रात घूमी है ए टू जेड हॉस्पिटल में। किसी डॉक्टर का थोड़ा सा सोर्स वोर्स लगा के वो किसी तरीके से 40 में 3:30 बजे भर्ती करी अच्छा रात में। रात में। तो उसको आईसीयू में बोला, उस समय वहां रहने तो दिया नहीं, तो वो चली गई वापस है ना घर। तो सुबह फिर से है ना मतलब है ना अपोलो गई पहले है ना, वहां पर है ना जब पेपर वेपर जमा दी, उसके बाद में फोर्टिस गई। फोर्टिस गई तो फोर्टिस में बोला आईसीयू में दिया है, अभी इसका टेस्टिंग वेस्टिंग सारा किया, आपको रुकने नहीं देंगे, आपका रिपोर्ट जो है 8:30 बजे रात को आएगा। ठीक है भाई, घूम घाम वापिस आ गई। वो मेरे को बोली कि मेरा मेरा कॉन्टेक्ट उनसे 4:30 बजे हुआ शाम को, तो वो बोली ऐसे कैसे सर, सारा टेस्टिंग के लिए गया भैया, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रिपोर्ट आएगा। बोले ठीक है, रिपोर्ट आने से मेरे को फोन करना। तो इन द मीन टाइम जैसे उसका 9:15 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया, मैंने मैसेज डाला उसका। इन द मीन टाइम मेरा एक फ्रेंड है, उस कॉमन फ्रेंड हम लोग का जो राजीव खत्री कटरा में बगल में खत्री कटरा उन्हीं का है, तो वो वहीं रहता है। तो वो मेरे को फोन करके बोला ऐसा ऐसा है कि ही पास्ट आउट। उसके बाद में जो है मतलब है ना फोन किए, सोर्स सोर्स लगा के राजाधर से रात को 1:30 बजे बात किए, जो उसका मतलब है ना डॉक्टर था। वो बोला कि देखिए हम आपको अनऑफिशियली बोल दे रहे हैं, उसका लंग्स का पोजीशन बहुत खराब था, उसको वेंटिलेटर टाइम से नहीं मिला है, और इस 7:30 बजे रात को उसको वेंटिलेटर मिला, आपका कोई सोर्स वोर्स नहीं लगा हुआ था, तो वेंटिलेटर खाली नहीं था, तो उसको मिला नहीं ठीक तरीके से। तो ही मतलब उसका लंग्स का 7:30 बजे पोजिशन बहुत खराब था, उसको हार्ट अटैक आके, और है ना मतलब बोल रहा है हार्ट अटैक आया, बट आई एम एना 100% 90% श्योर, अनऑफिशियली आपको बोला ही वॉज कोविड एन पॉजिटिव। ठीक है भाई बोला, हम बोला ठीक है आप बताइए कैसे पता चलेगा। तो बोला सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट आएगा तो है ना पता चलेगा। तो 8:40 मिनट में वो मेरे को फोन किया, बोला सर इसका रिपोर्ट अभी आया नहीं है, इसका रिपोर्ट नेक्स्ट जो बैच आता है 11:30 बजे उसमें आएगा। बोला ठीक है भाई। फिर उसका 10:30 बजे चला के फोन आया मेरे पास में, बोला जिसका रिपोर्ट आ गया है, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब ये पैनल में ना मतलब डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, हम लोग है ना रेफर कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिए कैसे करेंगे। तो फिर है ना मतलब है ना सोर्स वोर्स लगा के पैनल को उससे है ना डिक्लेयर कराए 11:30 बजे की भाई कोविड था, डेथ सर्टिफिकेट में लिखवा है। अब इसका आगे का प्रोसीजर बोले बॉडी देगा नहीं, ठीक है भाई क्या करेगा, तो बोले केएमसी को देगा। तो केएमसी का मतलब जो कमिश्नर है उससे बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोला आप क्या चाहते हैं। तो मैं बोला सर इनका फ्यूनल जो है हिंदू रीट्स के हिसाब से हो किसी भी तरीके से, तो बोला देखिए इसका तो क्रिमिनल मतलब फ्यूनल जो हो रहा है वो सारा धापा एपिसेंटर बना रखे हैं हिंदू का, तो मैं कहाँ भापा में। पर? अच्छा
तो ठीक है भाई, ढापा में बना रहेगा, बोला मैं ना अरेंजमेंट करके देता हूँ, वहाँ का जो इंचार्ज है वहाँ उसका नंबर आपको देता हूँ। तो मैंने उसको फिर फोन किया, वो मेरे को सारा चीज अपडेट लाइनअप करके भेजा। तो मैंने उससे बात करी ढापा पे जो है, वो बोला सर आज आपको उसका फ्यूनल होना मुश्किल है, 150 आदमी के पीछे उसका नंबर है, 150 के बाद 150 आदमी के बाद में, बोला आज किसी भी हालत में नहीं होगा, सबके कोविड वाले, ये 150 वहां सब पर, कोविड। हाँ सब कोविड, बाप रे बाप, ये दिखले तो ममता कर नहीं रही है। नहीं नहीं कर रही है। तो हम आपको बता तो रहे हैं कि हम लोग तो फेस कर रही है। हम फिर है ना मतलब बोले कि कैसे होगा, तो वो हमको एक रास्ता बताया, बोला आप एक बात कर लीजिए, आप मतलब ऊपर मतलब केएमसी कमिश्नर से बात कर लीजिए, वो जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। तो फिर बातचीत किया उनसे, बात बात करके जो है मतलब बोले ठीक है, जो भी लगना है पैसा लग लगा के जो है उसका आगे पीछे कराए उसका। तो उस 5:40 में वो फिर है ना वहां से गाड़ी भेजा केएमसी से, 6:40 से ना मतलब उसको उनको लिया, और 6:42 में जो है उसका दाग लगाया, और 8:50 में उसका क्रिमिनेशन खत्म हुआ है फिनल। आप लोग गए थे क्या वहां? ना ना किसी को जाने का मतलब, वहां तो एकदम हैवॉक बना रखा है, बोला आप लोग आइएगा अभी। वो सिर्फ टाइम टू टाइम फोटो वीडियो बना के भेज दिया था जो वहां का इंचार्ज है। अब बाप ये हालत है, 5 दिन हो गया भैया कि किसी भी तरीके से पिलर टू पिलर रहना, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे बात कर चुके हैं सारा, मतलब है ना उनका आज तक अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ है। केएमसी से उनका सैनिटाइज तो पूरा मतलब वो करा दिए थे, घर झरका। का तो सैनिटाइजेशन पूरा करा दिए हैं, लेकिन अभी और तक लोग का टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं हो रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। उनकी वाइफ का, किसी का भी नहीं। नहीं कल कल हम लोग ज्यादा सोर्स लगाए थे, बहुत ज्यादा, तो ऊपर में हम लोग नीचे से ही वैसे काम कर रहे थे, तो कोई है ना उनका घर वाला जो है थोड़ा ज्यादा लंबा सोर्स लगा मतलब ऊपर का सोर्स में चला गया, तो कल होम सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी का फोन आया, ऐसा ऐसा है, 2 एम्बुलेंस भेज रहे हैं उनको है ना होम क्वारंटाइन से निकाल के जो है मतलब CIS जोका में भेजेंगे, या फिर है ना मतलब है ना दूसरा जगह चलिए भेजें। कर हाँ तो वहाँ भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पर 14 दिन रखेंगे, इन द मीन टाइम कोई सिम्टम होगा तो है ना मतलब है ना आईडी हॉस्पिटल में भेज के जो है हम लोग है ना इसका है ना टेस्टिंग कराएंगे। फिर हम हमारे पास में फोन आया, ऐसा ऐसा बात है, तो फिर हम है ना मतलब अपना जो है मतलब होम सेक्रेटरी से बात किया, हम बोला ऐसा ऐसा बात है सर, हमको तो होम क्वारंटाइन है, हमको है ना कहीं जाना मतलब भेजना नहीं है किसी भी हालत में, टेस्टिंग हो चाहे नहीं हो कोई जरूरत नहीं है हमको टेस्टिंग का। तो किसी तरीके से बोल बाल के जो है वो उनका जो है होम क्वारंटाइन बरकरार रखे हैं, और वो एम्बुलेंस को दो को विदा करें, मतलब टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। बड़ा मुश्किल से आज सोर्स लगाए हैं, तो है ना मतलब मोहन गोयनका जी से बात करके, तो कल 2 जन का जो है मतलब टेस्टिंग का व्यवस्था हुआ है, मोहन गोयन आमरी का में क्या, ठाकुर, अपोलो अपोलो वाला नहीं आमरी वाले। टेस्टिंग हो कहाँ रहा है? सब तो पूना हो रहा है, कलकत्ता तो हो नहीं रहा, ये हो रहा है। नहीं हो रहा है ना सारा टेस्टिंग है ICMR में जो हो रहा है टेस्टिंग, नीस्ट अच्छा बोलकर, नीस्ट बोलकर एक है ना वो है NECNESIED बोलकर एक इंस्टीट्यूट है ICMR का, वहीं से हो रहा है, लेकिन ये लोग इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये लोग बोल रहे किट नहीं है, 26,000 कुछ किट जो है नीस्ट के पास में है, ये लोग लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इज नॉट, ममता गवर्नमेंट इज नॉट है ना मतलब कोऑपरेटिंग विद देम। उनकी वाइफ वाइफ का भी तो रिक्स वाला व्यापार है ना। अब है तो भैया देखिए इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं घर में बैठ के, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पिलर टू पिलर हम लोग सारा जोर लगा लिए, ज्यादा जोर लगाने गए तो कल उठाने आ गया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अवस्था क्या है ये आप लोग को व्हाट्सएप में मिल ही रहा है। बिलियाट आ गया। हाँ बेलिया घाटा क्यों, सब जगह का एक ही हाल है भैया, हावड़ा में भी वही हालत है, और भी और जगह भी वही हालत है। ILS में एक है ना कार्डिक पेशेंट गया मेरा जान पहचान वाला, पहले बोलता है CM फंड में 1.5 लाख रुपए जमा दीजिए, फिर आप आपको है ना भीतर लेंगे, ये सब ILS तो का सिचुएशन शॉकलेट, नहीं हावड़ा। बाप रे बाप। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो शायद ये सब कोविड का टेस्ट है, कोविड वाले पेशेंट को रख नहीं रहा है। नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को जिनको रिक्रूट किया है, टोटल पूरा कैलकाटा में 158 बेड ही है, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, अच्छा, पूरा टोटल 158 है कलकत्ता में अपोलो पूरा कैलकाटा में, ये सब लेके। हाँ सब लेके उसका लिस्ट मेरे पास में, आप बोलिए तो अभी व्हाट्सएप कर दे, कर दीजिए। कर दे रहा हूँ, किसी में 2 बेड है, किसी में 5 बेड है, किसी में 7 है, किसी में 10 है, बस मैक्सिमम 10-12 बेड है बस एक दस किसी में, किसमें है? अपोलो फॉल्स अपोलो में है किसी में। बाप रे बाप।
हालत बहुत ही खराब ये सिचुएशन बहुत पैथेटिक है, मेडिकल सिचुएशन। अगर ये खोल दिया ना तो हम लोग वॉल्केनो में है, बताने से नहीं बचेगा कोई आदमी। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब है ना, मतलब है ना, जो मेडिकल स्टाफ है और अच्छा डॉक्टर है वो तो हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया है। ये पोजीशन है, बाप रे बाप। मतलब अच्छा अच्छा डॉक्टर से बातचीत कर लिए, बोलो चुपचाप, बोलो होम क्वारंटाइन में राजाधर से बात किए जो कि कोविड का स्पेशलिस्ट है, उससे बात किए। मैं बोला सर कोई व्यवस्था कर दिए, बोले नवीन जी कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, ये लोग है ना, मतलब हम लोग को टेस्टिंग करने दे रहा नहीं है परमिशन, खाली आईडी हॉस्पिटल को दे रहा है, और बोले उठा के ले जाएगा, बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले, और वहां रखेगा, बोले जिसको जो पेशेंट नहीं होगा ना तो उसको भी पेशेंट बना देगा। तो बोले सबसे बेस्ट है हम आपको जो जो चीज बोल रहे हैं वो चीज घर में बैठे हैं, होम क्वारंटाइन है, चुपचाप बैठे रहिए, बोले ये चीज करने बोलिए। क्या क्या बोलता है? हर आधा घंटा में ना गर्म पानी पिलाने बोलता है, उसके बाद में बोला है कि एक जिंक का टैबलेट और एक आयरन का टैबलेट आप लोग रोज दीजिए। वो बोला है कि आप गर्म पानी में जो है नींबू बचल अगर है कोई और उनको कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है तो है ना, मतलब शिकंजी बना के 2 टाइम उनको गर्म दीजिए, गर्म पानी में पिलाइए, और है ना मतलब जिनको हाइपरटेंशन और है ना शुगर का पेशेंट है उनको खाली गर्म पानी में नींबू डाल के 2 बार दीजिए। एक जिंक का टैबलेट बोल रहा है और एक आयरन का टैबलेट बोल रहा है रोज लेने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर आयरन का टैबलेट से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो अल्टरनेटिव डेज में लेवे। और रात में सोते समय बोला घी जो है दोनों नाक में और है ना नाभि में लगा के उसको टान लीजिए जोर से, फिर सोइए। और एक है ना वो भेजा है, क्या बोलता है ये भेजा है, क्या बोलता है फोटो भेजा है, मतलब है ना ब्लोअर का, तो बोला इसको आप लोग है ना हर 2-2 घंटा में 10-10 मिनट में करिए, जिससे लंग्स में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन या कुछ होगा तो खुल जाएगा, लंग्स बड़ा हो जाएगा। बोला यही एक तो तरीका है बस अभी, और गर्म पानी से नहाइए, डेटॉल पेटॉल से ना मतलब सैनिटाइज करते रहिए, बोले यही अभी सबसे बड़ा सेफ्टी है। बोला हम लोग के पास भी कोई दवाई नहीं है, और अगर कुछ सिम्टम थोड़ा सा भी अगर किसी को बुखार आता है तो तुरंत इमीडिएटली जो एंटीबायोटिक चालू कीजिए, साथ में पैरासीटामोल चालू कीजिए, बस। बाप रे बाप। आयरन का कोई भी टेबलेट ले लेंगे, कोई नाम दिया है? नहीं आयरन का बोले कोई भी टैबलेट जो भी अच्छा दिखाई आपको जो भी बाजार में मिलता है वो ले सकते हैं, और जिंक का टैबलेट एक तो लेना बोला है। ठीक है, लेकिन तैयारी। वही है आयरन का टैबलेट है ना मतलब दीजिएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो साथ में क्रेमेफेन ले लीजिएगा। ठीक है, और कितना कहाँ का सीट है भी एक बार भेज दो भाई, ये मैं भेज देता हूँ और आपको अभी। तुम्हारे पास तो काफी एक्सपीरियंस है, जो भी है उसको हमको पर्सनल में शेयर कर दो। ठीक है मैं कर देता हूँ अभी। ठीक ठीक और ठीक भैया जुटली बाड़ी लिए हैं क्या इस बार? हाँ, जितने बगान लिए ना इस बार। क्या दाम चाय बन रहा है क्या? अच्छा भैया हाँ, अभी बन रहा है तो क्या प्राइस वाइस में बिक रहा है? अभी ब्रोकेंस बिक रहा है 250 में, डस्ट भी थी 230 में। व्हाट्सएप करवाइए ना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, कुछ बहुत अच्छा है। आपके पास आया है क्या सैंपल? हाँ, डेली सैंपल आ रहा है। नहीं सैंपल अभी नहीं आ रहा है, हाँ हाँ स्टार्टिंग आ रहा था, अभी व्हाट्सएप में बिकते चला जा रहा है। हाँ वही व्हाट्सएप में ही बिक रहा था, सबका वही हालत है। आप बोलिए तो हम व्हाट्सएप ही भेज देते हैं जो लॉट है। व्हाट्सएप भेज दीजिए मुझे, मैं आपको ठीक उसमें आपको लिंक शेयर कर देता हूँ जो मेरे पास है। ठीक आप है, व्हाट्सएप एक तो हाई भेज दीजिए ना। ठीक 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 अच्छा मेरे को एक नहीं एसटीटीए में मेरे को है ना